आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमें डिजीज पढ़नी है वो हमारा है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मोस्ट कॉमन डिजीज है, आप कहीं भी इसके पेशेंट देख सकते हैं, कहीं पे भी आपके पास पड़ोस में भी किसी को सीजर आ गया, एपिलेप्सी हो गया। 1,000 पेशेंट में ऐसा माना जाता है, एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में 1,000 पेशेंट है, 1,000 में 3 से 5 के बीच में किसी ना किसी को कोई ना कोई एपिलेप्सी सफर कर रहा होता है, एपिलेप्सी से। ठीक है, अब एपिलेप्सी बेसिकली क्या है? एपिलेप्सी अगर हम बात करें, हमारा क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी रिलेटेड टू अवर ब्रेन, कि हमारे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होगी, उसके जो फंक्शन है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी होगी और क्या होगा, एपिलेप्सी होगा। अगर हम बात करें ब्रेन के फंक्शनल यूनिट की, मैं किसकी बात करें, हर जो हमारे ऑर्गन है उनका एक एक फंक्शनल यूनिट है। हम बात करें किडनी की, किडनी में हमारे फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, नहीं होते। अब ऐसे ही हम बात करें ब्रेन में हमारे फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होती है वो जनरेट करते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू पे क्या होता है, जो फर्दर हमारी बॉडी को कोई सिग्नल जाता है वो उसके थ्रू वो उसमें काम करता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स हैं अगर वो एक नॉर्मल वे में जा रही है, ठीक है, न्यूरॉन जनरेट कर रहे हैं और वो ब्रेन में जा रही है, तो ब्रेन हमारा प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। अब क्या होता है, अगर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स हैं उनका सडनली बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस होने लगे न्यूरॉन से एक्सेसिव अमाउंट में, तो क्या होने लगता है, एपिलेप्सी होने लगती है। इसमें क्या हो सकता है, जो नर्व सेल की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होने लगती है। नर्व सेल की एक्टिविटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सेसिव जो हमारी नर्व इंपल्स है उनका डिस्चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी नर्व सेल एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और जिससे फिर क्या होता है, सीजर्स होते हैं, जिनको नॉर्मली हम बात करें हम बोलते हैं मिर्गी, बोलते हैं मिर्गी। ठीक है, कि दौरे पड़ जाना, मिर्गी, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट। ठीक है, ये सब तो क्या होता है हमारा, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी हम बात करें एपिलेप्सी की, ए डिसऑर्डर इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब कॉजिंग सीजर। ये डिसऑर्डर है, मैंने बताया आपको क्या, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्व सेल है, ठीक है, जो हमारी नर्व सेल है, जैसे मैंने बताया, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है न्यूरॉन से, अब वो क्या है, उनमें देखो ज्यादा एक्सिस डिस्चार्ज होती है ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, सीजर्स करते हैं उनसे। ठीक है, डिस्टर्ब कॉजिंग सीजर्स। नाउ सीजर्स मैंने बताया, जैसे आपको नॉर्मली हम कि दौरा पड़ गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है, अब एपिलेप्सी में अगर एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर और एन एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी सच एज ए ट्रॉमा और स्ट्रोक, क्या होगा कि भी एक जेनेटिकली मैंने आपको बता रखा है, कोई भी बीमारी है अगर उसका एक हम कॉज की बात करते हैं तो जेनेटिकली भी कॉज है हर बीमारी का। ठीक है, क्योंकि वो जीन्स में है, लेकिन इसका ज्यादा नहीं होता है कि जेनेटिकली अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री में चला रहा है एपिलेप्सी तो उसको भी हो, लेकिन अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी नर्व सेल है डिस्टर्ब होती है, सडन से क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उनका डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है, ज्यादा डिस्चार्ज होने पे ही आप ये बात ध्यान रखिए, ज्यादा डिस्चार्ज होने लगता है उनका नॉर्मल से। ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, एपिलेप्सी। ड्यूरिंग सीजर ए पर्सन एक्सपीरियंस एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या होता है, जैसे उसको लगता है अगर तो सीजर आने वाले होते हैं किसी पेशेंट को, तो एक एबनॉर्मल बिहेवियर सिम्टम्स एंड सेंसेशंस समटाइम इंक्लूडिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने आपको बताया देयर आर फ्यू सिम्टम्स बिटवीन सीजर्स, और कुछ भी से होते हैं। ठीक है, पेशेंट चल रहा है, चलते चलते पेशेंट गिर गया। ठीक है, स्केलेटल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, स्केलेटल मसल्स क्या होता है, लूज हो जाता है उनके बॉडी के अंदर। एपिलेप्सी इज यूजुअली ट्रीटेड बाय मेडिकेशन एंड इन सम केसेस बाय सर्जरी डिवाइसेस और डायरेक्टली। अगर हम बात करें एपिलेप्सी क्या है, कुछ मेडिकेशंस हैं, एंटी एपिलेप्टिक कुछ ड्रग होते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ड्रग मैंने आपको बता रखा है, एग्जांपल कोई बताएगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का,
फेनिनटोइन हो जाएगा सर, फेनिनटोइन। फेनिटोइन, वेरी गुड। फेनिटोइन क्या है? एंटीएपिलेप्टिक, ठीक है। या तो मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं, कुछ केस में सर्जरी, ब्रेन सर्जरी करानी पड़ जाती है। क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज जब एक्सिस नर्व इम्पल्सर एम्पल्स डिस्चार्ज हो रही है तो ब्रेन में डैमेज हो जाता है, तो उससे क्या सर्जरी, ठीक है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है वो डाइटरी चेंजेस, कुछ डाइट में चेंज करना पड़ता है अगर वो माइल्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपिलेप्सी का इंट्रोडक्शन। Now you can see एक हेल्दी ब्रेन, फोकल सीजर, जनरलाइज सीजर। फोकल सीजर में क्या है, कम इफेक्ट होता है, ठीक है। जनरलाइज सीजर में ये देख सकते हैं आप, ये ब्रेन है, इसमें ये ब्रेन है, यहां से ये रहेंगे, क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है, ये 1 2 3 4 इस तरह से, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रही है ब्रेन को, ब्रेन हेल्दी है, ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। फोकल सीजर में क्या हुआ, आप देख सकते हैं इसी तरीके का बॉक्स देख, इधर मैंने बना रखा है 1 2 3, यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ज्यादा डिस्चार्ज हुई, देख सकते हैं वहां पे बिल्कुल, इसमें आप देख सकते हैं सीजी सीधी ये जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी यहाँ पे इनमें एबनॉर्मलिटी हुई। नीचे आप देख सकते हैं जनरलाइज एपिलेप्सी में, जनरलाइज सीजर में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो कितनी ज्यादा डिस्चार्ज होने लगी, कोई इनको आप इन चारों में पता नहीं कर सकते कौन सी ये अलग अलग है। देखिए आप कितनी एबनॉर्मलिटी इनमें हो गई, आप सबसे ऊपर वाला डायग्राम देख सकते हैं, उसके बाद नीचे वाला आप देख सकते हैं, थर्ड देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको लोन चाहिए, तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच एक्सेस नर्व एक्सिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एंड इट विल लीड टू एपिलेप्सी और सीजर। क्लियर है यहां से, ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल है, ये थोड़ा एबनॉर्मल हुई, यहां पे बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो गई, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो कि जा रही है न्यूरॉन से। नाउ अगेन यू कैन सी डायग्राम, सेंसरी एरिया मोटर फंक्शन डिजीज, ये इस तरह से सीजर हॉटस्पॉट, यहाँ पे सीजर हो, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेन में हमारे एबनॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। नाउ एक डायग्राम और बनाया इसी में, इसमें भी क्या है हमारी इलेक्ट्रिक इंपल्स, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हमें पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। स्टेरिंग पेशेंट्स खड़ा है, उसको कुछ इंजरी हुई, उसको पता नहीं लगा, पेशेंट खड़ा है, क्या हुआ, स्टेरिंग की बस वो ऐसे लगता है किसी को घूर रहा है, ठीक है, किसी को घूर रहा है, वो ऐसे ऐसे खड़ा रहेगा, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खो देता है अपना, ठीक है। एक हम ये सिम्टम्स बात करते हैं कभी कभार, क्या हुआ, उसके ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हुई, ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा था, इसलिए खड़े खड़े मतलब उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकलती है, ठीक है। अगर आप कभी देखें, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे सीजर्स के पेशेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया 1000 पॉपुलेशन में 3 to 25 आप पेशेंट देख सकते हैं एपिलेप्सी सीजर के, ठीक है। जर्किंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्म एंड लेग्स, जर्किंग मूवमेंट्स होने लगता है आर्म्स ऑफ लेग का, ठीक है। कभी कभार ट्रेमर्स भी होता है, लेकिन ट्रेमर्स बेसिकली वो पार्किंसन में होता है, इसमें ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, स्टिफनेस में होता है, स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल लॉस होने लगता है स्केलेटल मसल्स का बॉडी में, उसको लगता ही नहीं कि ऐसे क्या है, पेशेंट एकदम अपना क्या कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम और स्टॉपिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फॉलिंग सडनली फॉर नो अपेरेंट रीजन, जैसे मैंने बताया, अब पेशेंट खड़ा है, स्टार्टिंग उसको पता ही नहीं, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, पेशेंट गिर गया,
when associated with loss of consciousness. ठीक है, so these are the signs and symptoms of epilepsy. Now again you can see a diagram how a excessive electrical impulse can affect the brain functions and ultimately may lead to what? Seizure. Brain cell electrical impulse generate हो रही है, ठीक है. अब ये क्या है? Excessive इनका discharge हो गया and ये बॉक्स है, यहां पे क्या हुआ? ब्रेन इफेक्ट हुआ, ठीक है. और क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, स्क्रीन चले गई सर. स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही. नाउ पैथोफिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मीन्स आप जानते हैं फंक्शन ऑफ द बॉडी. हम पढ़ते हैं एचएपी तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है. हम बोलते हैं एनाटॉमी हमारा क्या होता है, इसमें पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में. फिजियोलॉजी हम क्या होता है, फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं बॉडी फंक्शन के बारे में. तो सेम इसी वजह से अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी, आपको पता होती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं. पैथो मीन एबनॉर्मलिटी, कोई भी एबनॉर्मलिटी. पैथो, अब पैथोजन भी एक होता है जो डिजीज कॉज करता है, तो पैथो की कहीं डिजीज हुई, पैथो एबनॉर्मलिटी हुई. फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी के फंक्शन में, बॉडी या किसी भी ऑर्गन में क्या हुआ, एक एबनॉर्मलिटी हो गई, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो होती है पैथोफिजियोलॉजी. यानी कि क्या उसकी उसमें कमी हुई. तो किस तरीके से होती है ये हम देखेंगे, ठीक है. पैरोक्सिमल डिस्चार्ज इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, मैंने बताया सडन डिस्चार्ज पैरोक्सिमल एकदम किसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी. ए सीजर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रे मैटर ऑफ एनी कॉर्टिकल और सबकॉर्टिकल एरिया. एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, जब क्या होता है इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है वो क्या ज्यादा डिस्चार्ज होने लगती है, तो क्या होता है न्यूरॉन्स एबनॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं, उनकी फायरिंग होने लगती है, बहुत ज्यादा वो जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जो उनका एक्शन पोर्शन होता है उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है. तो उनमें एबनॉर्मल फायरिंग होती है यहाँ पे न्यूरॉन्स की. ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस एंड इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट्स, ब्रेकडाउन होने लगता है जो नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी हो रही है वहां पे उसका ब्रेकडाउन. उससे क्या होगा, लोकली फोकल सीजर, वाइडली जनरलाइज सीजर. फोकल सीजर, जनरलाइज सीजर क्या है, बेसिकली सीजर के टाइप्स है. लोकली की एक लोकली हो गया, आप पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस हो गया लेकिन पेशेंट खुद से वो ठीक हो जाता है, ठीक है. जनरलाइज सीजर क्या होता है, क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है. वाइडली पूरे ब्रेन को उसने जितने भी सेल है उनको इफेक्ट किया, ठीक है. तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एपिलेप्सी. सर स्क्रीन तो शो हो ही नहीं रही आपकी. वेट अ मिनट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक शो हो गया था आपको सर? यस सर, यस सर, यस सर.
शो होने लगी बेटा? हो रहा है सर। यस सर। यस सर। ये वाली स्लाइड आपको शो हो रही थी क्लिनिकल मैनिफेस्टो में, मैंने पढ़ाया था आपको, हो गया था ये? हाँ सर। यस सर, हो गया सर। ओके, तो मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ब्रेन इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस तरह से जनरेट हो रही है, ब्रेन सेल को इफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। मैंने बताया था क्या, पैरोक्सिमल डिस्चार्ज यानी सडन डिस्चार्ज, पैरोक्सिमल यानी सडन डिस्चार्ज होता है इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। उससे क्या हो जाता है, न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के जो सेल है न्यूरॉन्स, उनमें एबनॉर्मल एक फायरिंग होती है, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब होती है तो क्या होता है, जो हमारी मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन है, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है कंडक्टेंस, ठीक है। और उसमें फिर दो कंडीशन आ जाती है, एक तो लोकली की फोकल सीजर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था सीजर्स के टाइप्स भी होते हैं, फोकल और जनरलाइज। फोकल की पेशेंट्स को बहुत माइल्ड सा पेशेंट्स का ब्रेन के सेल में कुछ एबनॉर्मलिटी हुई और उसको फोकल सीजर आया, ठीक है। अब वो कुछ भी चांस होते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस उसमें हो जाता है, लेकिन वो रिवर्स हो जाता है, फिर आ जाता है अपनी उस स्टेज में, ठीक है। जनरलाइज सीजर में क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है, इसमें बहुत सारे क्या होता है इफेक्ट, हमारे एक लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इफेक्ट होने लगते हैं, ठीक है, ब्रेन के ज्यादा। एबनॉर्मलिटी ऑफ पोटेशियम कंडक्टेंस, इफेक्ट इन वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल्स, ठीक है, डेफिशिएंसी इन मेम्ब्रेन एटीपीज, न्यूरॉन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी सीजर्स, ये होता है, ठीक है। तो जो पोटेशियम कंडक्टेंस है, जो पोटेशियम या जो हमारा आयन चैनल होता है सेंसिटिव आयन चैनल, उसमें क्या होने लगता है, उनमें डिफेक्ट होने लगता है। क्यों हो रहा है, सब किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू ये क्या, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो एक्सेसिव ज्यादा होने लगती है, जैसे मैंने आपको के डायग्राम से बताया, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इंक्रीज इन एक्सेसिटी न्यूरोट्रांसमीटर, एबनॉर्मल न्यूरॉन जैसे न्यूरोनल एक्टिविटी। क्या बताया था मैंने कि जितना हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स ज्यादा सडन डिस्चार्ज होने लगता है तो न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है आपस में, ठीक है, वो फिर एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है उनके अंदर में, तो वो फिर मेनली टू फाइनली क्या होता है, सीजर। डायग्नोसिस, अगर आप बात करें डायग्नोसिस क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, अगर सीजर आता है कौन सा होता है, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी। इस तरह से इसको क्या करते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं ईईजी में, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। सो यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपको दिख रही है ब्लू में। अब ये यहाँ से रेड जो है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनका एक्सेसिव डिस्चार्ज हुआ, ये हमारा, ये हमने क्या बताया एक तरीके से, ये पूरा डायग्नोसिस की हम बात कर रहे थे कि किससे पता लगाते हैं हम, कौन सा ऐसा टेस्ट होता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी को लगता है, आप किसी के साइन एंड सिम्टम्स देख के आप बता सकते हैं, पेशेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपकी, हाँ ये एपिलेप्सी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या उसका डायग्नोस टेस्ट करता है, जो कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो उसको करता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ईईजी, जैसे हार्ट में फेलियर, हार्ट में प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं, नहीं करते ईसीजी? यस सर, करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वेरी गुड। सेम, ब्रेन में एबनॉर्मलिटी होती है, ब्रेन में कुछ फंक्शंस में प्रॉब्लम होती है, यानी सीजर्स आता है, तो उसके लिए क्या होता है, ईईजी। अब हम जैसे बात करें, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए, ये यहाँ ये रेड रेड में, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा इनका, यहाँ पे इनमें एबनॉर्मलिटी हो गई, एबनॉर्मलिटी हो गई, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्यादा डिस्चार्ज, सडन डिस्चार्ज हुआ होगा, पैरोक्सिमल इसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स का। सो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, किस तरह से इफेक्ट हुआ राइट ब्रेन में, ये यहाँ पे इस तरह से इसको इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम से हम
चेक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस टेस्ट क्या होता है स्क्रीन फिर से चले गए ईईजी स्क्रीन चले गए सर इंसेफेलोग्राम रईस लाल प्रसाद जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर I'm sharing the screen. Just wait. It's a network issue. तो नाम याद रखेंगे टेस्ट का ईईजी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम रईस लाल प्रसाद जी सोमेश यस सर कौन सा टेस्ट होता है बेटा डायग्नोस के लिए सर ईईजी इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम Good. Now, management. Management means pharmacological therapy. Seizure type, simple seizure, complex, partial, primary, generalized, tonic, clonic. एबसेंस ये यूजुअली ये क्या है हमारे सीजर्स के टाइप हैं अब इसमें कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये हम सब पढ़ेंगे आपको सारे टाइप सीजर्स के पता होने चाहिए यू शुड नो ऑल द टाइप्स एंड उस सीजर्स के लिए पर्टिकुलरली फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है जैसे हम बात करें सिंपल पार्शियल तो फर्स्ट वन इज कार्बामेज़ेपिन चॉइस टू फेनिटोइन Phenytoin, choice 3, Primidone, Lamotrigine, Oxcarbazepine, Lacosamide, Gabapentin, Levetiracetam, Zonisamide, Tigabine. So these are all the drugs. ये सब जो कुछ most common use होते हैं वो आपको पता ही होने चाहिए ठीक है जैसे फेनिटोइन वेलप्रोइक एसिड ओके फेनिटोइन का एक एडवर्स इफेक्ट होता है बता सकता है कोई फीमेल में यस सर फीटस डैमेज होता है सर क्या नहीं पता सर वो बात आ गई प्रेगनेंसी की आपने सही कहा लेकिन हम बात करें नॉर्मली फीमेल में क्या होता है फेनिटोइन से हिर्सुटिज्म हो जाता है HIRSUTISM हिर्सुटिज्म क्या होने लगता है फेस पे फेस पे हेयर की ग्रोथ होने लगती है ठीक है फीमेल के फेनिटोइन से तो दी ज्यादा मैनेजमेंट ठीक है ऑफ द
सर ये जो टॉनिक क्लोनिक जो है ये सीजर्स के टाइप हैं? यस, ये तो सब सीजर्स के टाइप है। सेम सिम्टम्स होंगे सारे के फिर? यस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे मैंने बताया पेशेंट का सबसे पहला सिम्टम्स, पेशेंट गिर जाता है। यस सर।